नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं BSNL 4G और 5G के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, BSNL अपने 4G लॉन्च का प्रोसीजर 2023 के मिड से ही स्टार्ट कर दिया था और BSNL भारत के अंदर अपने जो 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च करा है वो कम्प्लीटली इंडिजिनियस वे से लॉन्च करा है, यानी जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इक्विपमेंट है वो भारत के अंदर बना हुआ है। इस तरीके का इक्विपमेंट्स और मेनली सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए BSNL कंपनी जो है वो अपने 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च करा है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं BSNL का सबसे प्रोमिनेंट सर्किल केरला सर्किल के बारे में बात करूँगा, जहां पर केरला सर्किल का एक पर्टिकुलर सिटी है जिसका नाम है अर्नाकुलम, वहां पर BSNL कंपनी अपने 4G और 5G कब लॉन्च करेंगे उसके बारे में लास्ट जो फाइनल अपडेट है वो यहां पर आ चुका है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, BSNL अभी तक अपने ऑफिशियल 4G और 5G का अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं किया, लेकिन भारत के काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर BSNL अपने 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ तो वहाँ पर BSNL फर्स्ट टाइम 200 मोबाइल टावर्स के ऊपर अपने 4G का फील्ड ट्रायल्स किया था। उसके बाद जमशेदपुर की अगर मैं बात करता हूँ या अगर मैं राम मंदिर के आसपास बात करता हूँ या साउथ इंडिया की बात करता हूँ तो वहाँ पर BSNL कंपनी जो है वो अपने प्रेजेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कर रहा है। और BSNL कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सर्किल है जो है केरला सर्किल, और केरला के ये जो अर्नाकुलम सर्किल है यहाँ पर BSNL कंपनी जो है वो अपने 4G और 5G सर्विस को लॉन्च करने का और इसका डेडलाइन यहाँ पर रखा गया है 4th quarter ऑफ फाइनेंशियल 2024, यानी मार्च महीने से पहले ही BSNL कंपनी केरला के अर्नाकुलम के अंदर अपने 4G और 5G सर्विसेज को यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्रिंसिपल जनरल मैनेजर्स अर्नाकुलम बिजनेस एरिया सुंदरन वी, उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया है, द नेटवर्क इशू आर करेंटली बींग सॉर्टेड आउट, ही ऑल्सो सेड दैट द अपग्रेड टू 5G BSNL कैन यूज द सेम इक्विपमेंट्स इन इट्स यूजिंग फॉर 4G। इसका मतलब BSNL अपने 4G इक्विपमेंट्स जो यहाँ पर यूज़ करे वही सेम इक्विपमेंट्स को यूज़ करके BSNL अर्नाकुलम के अंदर अपने 5G सर्विस को भी यहाँ पर लॉन्च करने वाले। उसी के साथ अगर मैं BSNL की बात करता हूँ तो यहाँ पर अपने 1,00,000 जो BTS यानी बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम मोबाइल टावर्स को यहाँ पर जो बैठाने का बातचीत यहाँ पर हुआ था वो कम्प्लीट हो जाएंगे 2025 साल के अंदर। तो ये अचीवमेंट भी BSNL के लिए काफ़ी बड़ा होने वाला है। उसी के साथ BSNL कंपनी की तरफ से अर्नाकुलम के हर एक यूजर्स को यहाँ पर बताया गया कि वो अगर BSNL के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को यूज़ कर और काफी दिनों से BSNL के ब्रॉडबैंड के साथ जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली वो कॉपर रोड की मदद से BSNL का जो ब्रॉडबैंड सर्विस है वो यहां पर ले रहा होगा। तो उनको ये रिक्वेस्ट किया गया BSNL कंपनी की तरफ से कि वो अपने कॉपर रोड को मेनली भारत फाइबर के ऊपर अपग्रेड कर ले ताकि बहुत ही आराम से वो मेनली फाइबर का जो मजा यहां पर ले सके। इसके साथ उनको एकदम सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी के साथ BSNL कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया कि भारत फाइबर का जो प्लान्स का प्राइस है वो काफी सस्ता है एज कंपेयर टू DSL प्राइस। तो यहां पर 249 रुपए से रूरल एरिया के अंदर मेनली प्लान स्टार्ट हो जाते हैं। उसी के साथ अगर आप मेनली अर्बन एरियाज के अंदर रहते हैं तो वहां पर 299 रुपए से प्लान स्टार्ट हो जाते हैं। तो काफी सस्ते में आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शंस भी BSNL की तरफ से यहां पर बताया जा रहा है। उसी के साथ साथ BSNL कंपनी के ये टारगेट है कि हर महीने मिनिमम 1,00,000 नया FTTH ग्राहक जो है वो BSNL कंपनी अर्नाकुलम सर्किल्स के अंदर यहां पर जुड़ेंगे हर महीने। तो ये अचीवमेंट भी BSNL काफी जल्दी यहां पर पाने वाले हैं, ऐसा आशा जो है वो BSNL कंपनी की तरफ से यहां पर किया गया। अभी देखते हैं इसका फाइनल आउटपुट क्या कुछ निकल के आते हैं। तो अभी के टाइम के अंदर BSNL कंपनी की तरफ से यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे मुझसे मिलकर तो ऐसे कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।